मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा मामा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वली इस हद तक गिर सकता है। सोचा तो हम में से किसी ने भी नहीं था कि ऐसा होगा। हमें क्या पता था तुम्हारी शादी पे ये फिल्म हमारे गले पड़ जाएगी। एक मनहूस लड़की की वजह से मेरे पूरे घर का चिराजा बिखर कर रह गया। अब ये तो आप गलत बात कर रही हैं मामा। मतलब कसूर सिर्फ बिया का तो नहीं था, वली का भी था। वली को कुछ तो लिहाज करना चाहिए। ठीक है, जिन भी हालात में शादी हुई, लेकिन वो दानियाल की बीवी थी। लेकिन वली ने जिस तरह से इस इज्जत को पामाल किया, मैंने तो बहुत कहा था बेटा, लेकिन मेरी तो इन दोनों बाप बेटी ने एक नहीं सुनी। अब देखो हम भुगत रहे। ठीक है, लेकिन हम अब इस लकीर को पीटने का तो कोई फायदा नहीं है ना। ये सोचें कि आगे क्या करना। मुझे तो ये मुमकिन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बस मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद होगी और क्या। नहीं, ऐसा नहीं है। एक काम हो सकता, हम हुदा को वापस ले आते ना दानियाल की जिंदगी में। हुदा आएगी, दानियाल को संभाल लेगी। तंदील क्या कहती हो तुम? आई थिंक मामा काशिफ सही कह रहे हैं। अब जब सारी सच्चाई सबके सामने आ गई है तो हमें हुदा से बात करनी चाहिए, उसको वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। आप प्लीज फिक्र नहीं करें, मैं और काशिफ खुद जाएंगे हुदा से बात करने के लिए, वो मान जाएगी। सच अगर ऐसा मुमकिन हो जाए ना तो बहुत अच्छा है। मेरा बच्चा पूरी पूरी रात जागता रहता है, ना कुछ खाता है ना पीता है। उससे तो उसकी हालत देखी नहीं जाती। मामा प्लीज आप टेंशन नहीं लें, हम सब मिलकर दानियाल की खुशियां वापस लाएंगे। और आप भी प्लीज सब कुछ भूलने की कोशिश करें, सब ठीक हो जाएगा। चाय दो ना बेटा काशिफ को। चाय बिस्किट्स वगैरह बेटा।